जी आज मैं आपको सिखा रही हूँ बनाना चिकन का कोरमा। तो इसमें हमें क्या क्या चाहिए वो मैं बताती हूँ आपको। प्याज मैंने लिए, ऑनियन 3 लार्ज साइज ऑनियन है इसके अंदर, बारीक बारीक काट लीजिएगा। ऑयल हमें चाहिए इसके अंदर फ्राई करने के लिए। और इसमें चिकन है मेरा 1200 ग्राम, योगर्ट ले लिया है मैंने 1 कप भर के ले लें आप। और इसमें गार्लिक 1 टेबल स्पून, जिंजर 1 टेबल स्पून है। आलमंड्स को मैंने माइक्रो के अंदर ज़रा से गर्म मतलब पानी में डाल के माइक्रो में रख दिया था, तो ये देखें ये इतने सॉफ्ट हो गए कि ये ऐसे अलग हो जाएगा। इसको हम छिलका उतार लेंगे इसका। और जी ये दही, वो दही का ये क्रीम है, फ्रेश क्रीम ले लिए 5 टेबल स्पून। इसमें आप केवड़ा डालेंगे 1 टेबल स्पून। सॉल्ट चला जाएगा 1 टेबल स्पून, आप अपनी मर्जी के हिसाब से सॉल्ट डालिएगा। चिली है मेरे पास रेड चिली पाउडर, ये मैंने 1 टीस्पून ली है, आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा मिर्चें। और टर्मरिक हल्दी पाउडर जो है हमारे पास 1/2 टीस्पून है। क्यूमन सीड्स हैं 1 टेबल स्पून। और कोरिएंडर पाउडर है इसके अंदर, धनिया पाउडर जो है वो भी वो 2 टेबल स्पून है भर के। और ये ज़ाफ़रान है जिसको मैंने दूध के अंदर थोड़ा सा डाला हुआ है, इसको ज़रा सा मैं माइक्रो में वो कर लूँगी ताकि ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगी। पिंच ऑफ 2-3 पिंच आप ज़ाफ़रान की ले लीजिएगा। इसके अंदर बड़े ये जो लौंगे हैं मेरे पास 10 लौंगे हैं, ब्लैक पेपर जो है, काली मिर्च ये भी 10 ले लीजिएगा, कार्डमम 10 ले लीजिएगा, जायफल जवत्री है, जायफल जवत्री जो है हमारे पास, इसका मैं अभी इसमें से कम लूँगी, इसका 1/2 टीस्पून करना है। आप दोनों चीज़ों को मिला के आप 1/2 टीस्पून डाल दीजिएगा क्योंकि इसको मैंने पाउडर बनाना है। दही जब मैं ग्राइंड करूँगी इसका मसाला तो ये उसके अंदर ही पाउडर बन जाएगा। ये आ गया जायफल जवत्री आ गया, दालचीनी आ गई आपके पास जो है 3 स्टिक्स आपकी दालचीनी की ले लेना, सिनेमन स्टिक्स ले लें। और जी ये तेज़पात का पत्ता है ये 3 ले लें। तो आगे बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने इसका फ्लेम ऑन कर दिया है और 4 सर्विंग स्पून जो है मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। 3 और ये 4 हो गया। अच्छा इसमें ऑयल ज़रा सा ज़रा ज़्यादा ही जाएगा इसलिए कि कौरमे में ज़रा ऑयल ज़्यादा होता है, तो इस वजह से हम इसमें ऑयल ज़्यादा रखते हैं। प्याज ले लिए हमने 3 लार्ज साइज ऑनियन है इसके अंदर, बारीक काट लीजिएगा। इसको हमने ब्राउन गोल्डन कलर का करना है, डार्क ब्राउन ही कीजिएगा, उससे क्या होगा कि जो कोरमे का कलर है वो भी ख़राब होगा और टेस्ट में भी कड़वाहट आ जाएगी। तो जो उन प्याज को फ्राई करेंगे हम वो गोल्डन कलर करेंगे, जैसे खिला खिला कलर, वरना ज़्यादा ज़रा सा कालोच हो गई तो वो आपका कोरमा सारा ख़राब हो जाएगा। तो मैं इसको फ्राई करती हूँ इसके अंदर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें अभी पिंक होना शुरू हो गई है, बस प्याज ज़्यादा काली ना हो, इसको पिंक कलर की हो गई है। अब मैं इसको ना 2 मिनट और फ्राई करती हूँ और फिर इसको निकालते हैं। ये जी देखें अब हमारी ब्राउन कलर की हो गई है, अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। अब मैं इसको सारे को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखें मैंने प्याज को निकाल लिया है प्लेट में, अब मैं इसको रख रही हूँ। अब बाकी हम अपनी ग्रेवी का करते हैं, बाद में आपको इसको बताती हूँ कि क्या करना है। इसके अंदर हम अपना गर्म मसाला डालेंगे सारा। लौंगे चली गई, 8 से 10 लौंगे चली गई, ये पता चला गया, तेज़पात का, कार्डमम, ग्रीन इलायची चली गई, ब्लैक पेपर चला गया और दालचीनी चली गई। और साथ ही हम इसके अंदर अपना अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो डाल देंगे, वो चला गया। अब इन सबको अच्छी तरीके से 2 मिनट तक हम फ्राई कर लेते हैं। गरम ये अदरक लहसुन ज़रा सा फ्राई करना है आपने, 2 मिनट फ्राई करना है, इसका कलर चेंज नहीं हो। और फिर आपने इसके अंदर अपना चिकन डाल देना है। चिकन को भी हमने इसमें गोल्डन कलर का करना है, जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो बाकी स्पाइसेस डालते हैं। ये देखिए इसका कलर अच्छा आ गया, लेकिन मैंने आपको ये बताना भूल गई कि मैं तो इसको ऑयल में बना रही हूँ, लेकिन आप अगर बनाएं तो इसको घी में बनाएंगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। क्योंकि ये पहले की चीज़ें जो बिरयानी पहले लोग कोरमे और वाइट कोरमे इस टाइप की चीज़ें जो हैं घी में ही बनती हैं, तो मैं इसको ऑयल में बना रही हूँ। अगर आपको कोई हेल्थ की प्रॉब्लम या किसी को इशू नहीं है तो फिर आप इसे आराम से घी में बनाइएगा। अब इसे देखें इसका कलर गोल्डन हो गया, 5 से 8 मिनट मैंने इसको फ्राई किया है।
आफ्टर 5-8 मिनट्स के बाद इसका कलर चेंज हो गया, गोल्डन कलर हो गया चिकन का। अब इसके अंदर मैं अपना सॉल्ट डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून चला गया, कोरिएंडर पाउडर 2 टेबल स्पून चला गया, इसके अंदर चिली पाउडर चला गया 1 टेबल स्पून, 1 टी स्पून, और हल्दी पाउडर टर्मेरिक पाउडर इसमें 1/2 टी स्पून, 1/2 टी स्पून जो है वो हल्दी चली गई इसमें। मिर्चे मैं कम ही यूज़ करती हूँ, उस वजह से जिसको कम लग रही है वो उसमें और डाल दें। इसी तरीके से हम मसाले को 2 मिनट तक के लिए इसमें फ्राई कर लेते हैं। अब ये देखें आप, इसके अंदर ना अच्छी तरीके से सारे मसाले मैंने 2-3 मिनट तक भुने हैं, इसको भुना है, फ्राई किया है। तो अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी, मतलब आप 1/2 ग्लास इसके अंदर पानी डाल के इसको मैं कुकर में रख रही हूँ, क्योंकि मुझे बाकी इसकी ग्रेवी बनानी है। 1/2 कप पानी डाल के इसको हम कुक करने के लिए रखते हैं तक गले, और बाकी काम करते हैं इसका। इसमें 1 टेबल स्पून जी हमने ज़ीरा डाल दिया, क्यूमन सीड डाल दी। मैंने 30 आलमंड्स लिए थे, जिसमें से मैंने 5-6 निकाल के अलग गार्निश के लिए रख लिए, बाकी जो है हमने छिलका उतार लिया। इसको हम इसके अंदर मिक्स कर देते हैं। और हमारा योगर्ट चला गया, इसमें 1 कप योगर्ट चला गया, ज़ीरा चला गया, बादाम चले गए। ये सारा इसको अच्छी तरीके से साफ कर देते हैं। और इसके अंदर ये जो मेरे पास है, ये इसके अंदर देखें मैंने जो दोनों चीज़ें हैं, जायफल जावित्री, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। मैं इसके अंदर प्याज डाल रही हूँ। प्याज देखें, जब आप हल्की बारीक प्याज करेंगे तो क्रिस्पी हो जाएगी, क्रिस्पी हो जाएगी। ये ठंडी हो गई तो सारी क्रिस्पी हो गई है, और खुद ही घर के करें पे डालें, लोग रेडीमेड भी डाल देते हैं, वो अच्छी नहीं है। तो इसे देखे से सारी प्याज भी हम इसमें डाल देते हैं। इसको अच्छी तरीके से आप इसमें पीस लीजिएगा, फिर उसके बाद हम इसको अपनी ग्रेवी में मिलाते हैं। ये देखिए, ये इस तरीके का हो जाएगा। आप उन्हें इस तरह पीसना है, क्योंकि बादाम है इसके अंदर, ज़ीरा है, वो दही है, ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से इसमें मिक्स जानी चाहिए, कहीं बादाम मोटा ना रहे, इस वजह से इसको अच्छी तरीके से पेस्ट बन जाए। अच्छा, अगर आपके पास बादाम नहीं आपने डालना, अगर आप इंडिया पाकिस्तान या कहीं ऐसी जगह पर हैं जहाँ आपको खशखाश मिल जाती है, तो वो सबसे अच्छी है कि अगर आप खशखाश को इसमें पीस के डालेंगे ग्राइंड करते वक्त, तो वो बहुत अच्छी, असल में उसे सिल पे पीसना तो बहुत ही अच्छा है, उसकी पेस्ट अच्छी बन जाए, वरना इसके अंदर डाल के उसमें पीस लें तो वो भी टेस्ट अच्छा देगी। आगे चिकन को देखिए, मैंने हाई फ्लेम पे 5 मिनट तक पकाया, उसी में वो अब मैं बाकी ये जो हमारा मसाला हमने पीसा है ये इसमें डाल देते हैं। इसको ज़ाया नहीं कीजिएगा, इसी जग के अंदर मैं पानी जब इसमें डालूंगी तो उसी जिसमें हमने प्याज और दही को पीसा है वो उसी में पानी डाल के इसे मिक्स कर देंगे। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए कुक होने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि चिकन यहाँ जल्दी गल जाता है, इस वजह से 15 मिनट के लिए इसको हम कवर करके हल्की आँच पे उस पर रख देते हैं। इसका देखें पानी ड्राई हो गया है, 15 मिनट के लिए मैंने इसको लो टू मीडियम पे पकाया है, तो चिकन जो है हमारा 80% तक गल गया है ना। अब मैं इसमें क्या करूँगी कि मेरे पास ये जो थोड़ा सा ग्राइंडर के अंदर मसाला था, मैंने उसके अंदर पानी डाल दिया था ताकि वो ज़ाया ना हो, तो इसके अंदर हमने डाल दिया 1 गिलास दूध है, जो मैंने आपको बताना भूल गई थी कि इसमें 1 गिलास दूध जाएगा। दूध चला गया, 4-5 टेबल स्पून इसमें आपने फ्रेश क्रीम डाल देनी है। जब ये 80% कुक हो जाए तो ये सारी चीज़ें आप इसमें मिक्स कीजिएगा, और जो ज़ाफ़रान है और दूध मैंने भिगो के रखा हुआ था इसे, वो इसमें हम डाल दिए। ज़ाफ़रान चला गया, दूध चला गया, फ्लेम इसका हाई कर देते हैं हम, और 1 टेबल स्पून क्योड़ा वाटर चला गया इसके अंदर, 1 टेबल स्पून हमने क्योड़े का डाल दिया, क्योड़ा वाटर, ये चला गया। अब ये चीज़ें डालने के बाद मैं इसको 5 मिनट के लिए हाई उस पर ना रख देती हूँ, ताकि मतलब 3 से 4 मिनट काफ़ी होंगे ताकि सारी चीज़ें जो हैं मिक्स हो जाएं इसमें, दूध दही और जो दूध क्रीम और ये चीज़ें जो हमने इसमें डाली हैं
केड़ा वाटर वगैरह जो इसमें हमने डाला है वो सब इसमें मिक्स हो जाए। 3 से 4 मिनट से हम इस पर हाई पे कुक करेंगे। ये देखें कोरमा हो गया है। मैं इसका जो फ्लेम है वो ऑफ कर रही हूँ और ये रेडी हो गया है। अब मुझे इसकी इतनी ही ग्रेवी चाहिए, देखें इतना, क्योंकि ये भी ठंडा होगा तो ये और गाढ़ा हो जाएगा। और दूसरा ये कि इसको अभी मैं कवर कर दूंगी एटलीस्ट 5 मिनट्स के लिए, तो उसके बाद क्या होगा कि इसके ऊपर ऑयल आ जाएगा। अभी गरम गरम है तो इसके ऊपर ऑयल नहीं है, लेकिन इसमें ऑयल काफ़ी है, तो इस वजह से इसको हम 5 मिनट के लिए ढक्कन ढक के रख देते हैं, तो इसके ऊपर ऑयल आ जाएगा आराम से। फिर मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। जी मैंने गार्निश कर लिया है और मतलब अभी मैं इसको ऊपर आपके, मैंने तो सिर्फ इसे बॉल में अभी निकाला है तो डिश आउट किया है। अब मैं इसके आपको दिखाती हूँ कि ये बादाम इस तरीके से आप अगर बीच में मिलाना चाहें तो बीच में मिला दें, और अगर गार्निश में डालें तो गार्निश में डाल दें। ये देखें इसके ऊपर ज़ाफ़रान है, नज़र आ रहा है, तो वो कहीं तो मेल्ट हो गया है, कहीं कहीं वो नज़र आएगा तो वो अच्छा लगेगा। और ज़रूर बनाइएगा, मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगा ये कौरमा, और बना के बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कराएँ, लाइक करें, थम्स अप, तो मुझे पता चलेगा को आप मेरी वीडियोस जो हैं वो पसंद कर रहे हैं। और दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।